हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुपर ओडी की ओर से आज आपके लिए लेकर आया हूँ यामा का नेचुरल साउंड स्टीरियो कैसेट डैक, मॉडल नंबर है KX W321। देख सकते हैं डबल कैसेट डैक है, दोनों साइड ऑटो रिवर्स है, आपको इसमें कैसेट निकाल के पलटने की जरूरत नहीं होती। जैसा कि आपको पता है, डायरेक्शन के एक क्लिक से आप इसमें कैसेट की साइड चेंज कर सकते हैं, A to B एंड B to A। फुल वर्किंग कैसेट डैक है, मैंने चेक किया है, दोनों साइड ऑटो रिवर्स, रिवर्स फॉरवर्ड, और रिकॉर्डिंग भी बहुत मास्टर पीस जैसी आ रही है। आप इसमें नॉर्मल एंड हाई दोनों रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इनसाइड मैंने कंडीशन भी चेक की, बिल्कुल न्यू कंडीशन है, काफ़ी मटेरियल लगा होता है। यामा का काफ़ी पॉपुलर मॉडल है, मैं मैनी टाइम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, थोड़ा दिखाता हूँ। देख सकते हैं इसके डिस्प्ले के लिए, जैसे यहाँ से ये रीसेट हो जाता है, ये डायरेक्शन के लिए प्ले, रिवर्स फॉरवर्ड, ये सारी देख सकते हैं डिटेल्स इस साइड है। रिकॉर्डिंग के लिए नॉर्मल एंड हाई, यहाँ आपको मास्टर लगाना होता है, यहाँ ब्लैंक, या जैक के लिए डॉल्बी बी सी एंड ऑफ के लिए देख सकते हैं बी एंड ये सी, ये ऑफ। मेन पावर एंड ये मोड्स इसके दिखाता हूँ, कोई कैसेट लगा के इसकी साउंड क्वालिटी, ये लगाई कैसेट, ये करते हैं यहाँ से प्ले। बहुत शानदार इसका ये डिस्प्ले मीटर है, देख सकते हैं आप। इसकी डायरेक्शन के लिए डॉल्बी सी, डॉल्बी बी एंड सी, करता हूँ यहाँ से ये इसका स्टॉप, ये एंड इस साइड देख सकते हैं रिवर्स के लिए स्टॉप करेंगे तो, अब इस साइड ये फॉरवर्ड के लिए देख सकते हैं, ये आपको डिस्प्ले में शो होगा, देख सकते हैं फॉरवर्ड कैसेट की रील इस साइड ज़्यादा है इसलिए थोड़ा स्लो लग रहा होगा आपको। देख सकते हैं इसका फॉरवर्ड है, स्टॉप एंड इसके प्ले के लिए। फुल वर्किंग कैसेट डैग है, बोथ साइड रिवर्स फॉरवर्ड प्ले एक्सेट्रा, फुल वर्किंग है। ये तो थी इसकी डैग बी, अब ये डैग ए और आपको मैं दिखाता हूँ, ये लगाते हैं कैसेट, ये करते हैं क्लोज एंड इसके प्ले के लिए। रात को मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फे बिखराए, ये डायरेक्शन ऑटो रिवर्स, ये डायरेक्शन ऑटो रिवर्स। रात को मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फे बिखराए, ये स्टॉप के लिए इस साइड देख सकते हैं, इस साइड रिवर्स है, डिस्प्ले आप देख रहे होंगे, इस स्टॉप करके इस साइड ये फॉरवर्ड है, स्टॉप करके एंड ये साइड प्ले। बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है, परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब है, और अक्सर ये अच्छी कंडीशन में आता है यहाँ का ये मॉडल, काफ़ी मटेरियल लगा होता है इसके इन साइड में, और काफ़ी अच्छा कैसे डैग है, देख सकते हैं। आइए मैं इसकी बैक साइड आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं गाइस ये इसकी बैक साइड, इसका वोल्टेज सिलेक्टर ऑलरेडी 240 वोल्ट पर ऑपरेट है। बाकी इसकी डिटेल्स दी हुई है, यामा मॉडल नंबर KX W321 एंड ये मेड इन मलेशिया का प्रोडक्ट है। प्ले के लिए साइड, रिकॉर्डिंग के लिए साइड, और आप तो कैसेट टू कैसेट भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसमें इनपुट से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें। आइए अब इसका प्राइस बता देता हूँ। हाँ गाइज, बहुत रीजनेबल प्राइस में मैं ये कैसेट डैक आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इसका प्राइस है 8000 ओनली, केवल 8000 रुपये में ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। यामा का डबल कैसेट डैक है, दोनों साइड मैंने आपको प्ले करके दिखाया, डायरेक्शन ऑटो रिवर्स रिवर्स फॉरवर्ड, मैंने इसमें रिकॉर्डिंग भी चेक की हुई है, बिल्कुल मास्टर पीस जैसे इसमें रिकॉर्डिंग आ रही है। आपको रिकॉर्डिंग के लिए मास्टर इस साइड, ब्लैंक इस साइड, बस आप नॉर्मल से करना चाहते हैं या हाई से प्रेस करना है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, और काफ़ी अच्छा डैग है। तो जो भी वहाँ इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मॉडल नंबर से या स्क्रीनशॉट से भी अपना ऑर्डर मुझे दे सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्रोडक्ट के साथ, थैंक यू।